हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट आज हम डिस्कस करने वाले एन एम लिमिटेड के बारे में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक पर्टिकुलर रेंज से अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया वन ट्वेंटी फाइव का लो बनाने के बाद एट दर्ड वन थर्टी फाइव के रेंज में ये ट्रेड कर रहा है एंड वन थर्टी के ऊपर जब तक ये है उससे हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे आने वाला जो हर्डल है वो है वन फोर्टी का ना अगर इसका मार्केट कैप देखो ऑलमोस्ट फोर्टी थाउजेंड का मार्केट कैप है लुक एट द प्राइस टू अर्निंग अन्यू बिलो फोर बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड टू इसका फिफ्टी टू एक्स आइए वन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू स्लो है रिसेंटली जिस स्लो को इसका टच किया है वह हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव वहाँ से कर रहा है सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के साथ साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मनी क्रोन जो के इंपॉर्टेंट टूल्स है उसको भी हम देख लेते सेवेंटी को स्टॉक ओवरबोर्ड होता है थर्टी नीचे स्कोर है फोर्टी वन एम एफ आई में सिक्स आर एस आई ए स्टॉक ओवरबोड एंड ओवर स्ल के बीच में एम एफ आई में यह टूवर्ड्स ओवरबॉट जोन की तरफ जा रहा है बट एट दैट मोमेंट जिस तरह का इसका वैल्यूएशन है जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है इस ओवरबॉट नहीं कहेंगे बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अगर यहाँ पे सस्टेन होता है सो वन फिफ्टी तक ये स्टॉक मूवमेंट दे सकता है लॉन्ग टर्म में मैं बहुत बुलिश हूँ क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है ना अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें सो स्टॉक सारे टू हंड्रेड ए फिफ्टी डे हंड्रेड टू हंड्रेड है सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के नीचे यानी जो सारा रेंज है वो बिटवीन वन फोर्टी वन फिफ्टी फाइव के बीच है स्टॉक हमेशा से ही वन फोर्टी वन फिफ्टी के बीच कॉन्सोलेटेट करता है जब ये स्टॉक वन फिफ्टी की तरफ जाता है सो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आता है सो लास्ट तीन चार महीने से यही हो रहा है एंड रिसेंटली स्टॉक ने बहुत नीचे की तरफ का ब्रेकआउट दिया था वन ट्वेंटी फाइव बिजनेस टच किया था क्योंकि नॉर्मली वन थर्टी फाइव से ये अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाता है बट एट दट मोमेंट उसी रेंज पर सो वन फॉर्टी इसके लिए खड़े लेकर इसके ऊपर चला जाता है फिर से वन फिफ्टी की तरफ बुक बनतेगा बट इट्स अ लॉन्ग टर्म बेट नॉट अ शॉर्ट टर्म बेट अगर हम टेक्निकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें वन थर्टी सिक्स थर्टी सेवन वन फोर्टी ये सारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो नीचे की तरफ है टेक्निकली वो है वन थर्टी वन ट्वेंटी एट वन ट्वेंटी फाइव अगर उसको भी ब्रेक करता है तो वन एट्टीन बट आई थिंक इस लेवल पे अगर ये स्टॉक आए आपको 120 ट्वेंटी के करीब मिले विदाउट एनी बैड न्यूज सिर्फ मार्केट करेक्शन में तो डेफिनेटली आपको स्टॉक को बाय करना है एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है आपको 100 परसेंट रिटर्न एक साल के अंदर मिल सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट हमेशा स्टॉक में टेक सेल करना चाहता है सो so लोगों को इस स्टॉक से थोड़ा डर लगता है बट इट्स अ वेरी गुड स्टॉक परफॉर्मेंस इज वेरी गुड अगर हम स्टॉक के पीएस के साथ कंपेयर करें सो मेटल एंड माइनिंग में वेदांता कोल इंडिया एन एम डी सी दीज आ द थ्री बिगेस्ट कंपनी जिसमें वेदांता इज द लीडर कोल इंडिया इज ऑल्सो गुड बट रिसेंटली कोल इंडिया टू हंड्रेड के लेवल से वन फिफ्टी तक करेक्ट हो चुका था एंड ऐसी रेंज पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है सो कोल इंडिया इज अ बोरिंग काइन ऑफ स्टॉक बन एम डी सी नॉट अ बोरिंग स्टॉक बहुत लोगों ने इसके ऊपर के रेंज भी बाई किया वन वन है बट आई होप आपको थोड़ा होल्ड और करना है ये स्टॉक आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा हाँ और जो स्टॉक है लाइक हिंडाल को नैल को उस तरह का रिटर्न शायद ये स्टॉक अब तक आपको नहीं मिला इस स्टॉक से बट आने वाले टाइम में यह स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देगा इसका प्राइस टू अने के बहुत अट्रेक्टिव है अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी है अगर इन फ्यूचर गवर्नमेंट इसका स्टेक सेल करते हैं डी डाइवर्सिफिकेशन होता है सो डेफिनेटली स्टॉक का एक अच्छा खासा रिडेटिंग होना तय है बट इस कंपनी का अगर रिजल्ट को देखें ना तो सेप्टेम्बर का रिजल्ट थोड़ी खराब थे से मार्केट ने इसको थोड़ा करेक्ट किया है अगर हम जून का रिजल्ट देखिए थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड एटी सिक्स का प्रॉफिट था उससे पहले भी मार्च का क्वार्टर का प्रॉफिट अच्छा था यानी कंसिस्टेंट ग्रोथ हमने देखा एंड उसी टाइम स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया था बट उसके बाद टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स का प्रॉफिट सितंबर में स्टॉक ने डिक्लेयर किया जिसको मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया एंड इस कारण इस स्टॉक में हमने अच्छा खासा सेल ऑफ देखा एंड वहाँ से स्टॉक ने फिर से बाउंस बैक नहीं दिया बट जब मार्केट स्ट्रॉन्ग था ये स्टॉक 150 160 के रेंज में ट्रेड करता था बट इन दिस पर्टिकुलर करेक्शन इस स्टॉक में हमने ज़्यादा करेक्शन देखा क्योंकि इसका परफॉर्मेंस खराब था बट ओवरऑल अगर हम देखें तो आने वाले क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस में हम अच्छा खासा सुधार उम्मीद उम्मीद कर सकते हैं या फिर आपको एज अ ट्रेडिंग रेंज में भी स्टॉक को बाई करना है वन के करीब सेल करना है वन के करीब बाई करना है ट्रेडिंग सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पर्टन परसेंट ऑलमोस्ट स्टेक है लुक एट दफआ एट थ्री बिकॉज एफ आई नॉट दट मच बुलिस ऑन दिस स्टॉक दो आर नॉट वेरी बोला टाइप डी आई इज वेरी बुलिस ट्वेंटी टू परसेंट एक डीआई के पास है लुक एट द पब्लिक होल्डिंग टेन पॉइंट फाइव थ्री रिटेल इन्वेस्टर का भी अच्छा खासा स्टेक है जिसमें बड़े रिटेल इन्वेस्टर छोटे रिटेल इन्वेस्टर शामिल है डी आई का ज्यादा स्टेक ने ही दर्शा है कि लॉन्ग टर्म के लिए डी आई इज वेरी बुलेट डिफेंसिव काफ स्टॉक इट डीप स्टॉक जहां से भी अच्छा रिटर्न मिलने का चांस है पूरा पूरा क्योंकि एक दो क्वार्टर का रिजल्ट खराब होने से स्टॉक का ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब नहीं होता एंड स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया टू द इन्वेस्टर इन द पास्ट नाउ सिर्फ स्टॉक को चलने की तेरी है बट नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट अगर तो और खराब होता है तो थोड़ा थो तो कॉन्सेंट्रेट और करेगा बट रिजल्ट अगर अच्छे होते तो यहाँ से स्टॉक सबसे ज्यादा मूवमेंट देगा इन द मेटल सेक्टर बट अगर आपको पीएसयू मेटल कंपनी में सबसे बेहतरीन स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए सेल नेलको ये दो ऑप्शनस है प्राइवेट में जेएसडब्ल्यू स्टील एंड को वीडियो इन लगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर जरूर